गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस पीरियड वी हैव रीड यूनिट 7, द कुमार हाउस, ऑन पेज नंबर 44। सो टुडे वी विल लर्न नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ कुमार हाउस। बिफोर स्टार्टिंग I ask you some questions about that. Okay. First question, how many bedrooms does the Kumar house? Yes, the Kumar house has 3 bedrooms. Okay. And next question, what do the Kumar do in the dining room? Yes, the Kumars eat their meals in the dining room. And third question, what are the pans, pots and pans kept? Yes, the pots and pans kept on the shelves in the kitchen. Shelves mein waha rakhte hain, kahan pe? Kitchen mein. Let's start next paragraph. Okay. Tina and Ram's mom and dad cook in the kitchen. Tina and Ram's mom and dad cook in the kitchen. Sometimes grandma also cooks a special dish. Sometimes grandma also cooks a special dish. Grandpa likes to help her. Grandpa likes to help her. Tina and Ram help their mom and dad. Tina and Ram help their mom and dad. Tina lay the table. Tina lay the table. Ram helps to put the food on the table. Ram helps to put the food on the table. They all help each other. They all help each other. So Tina and Ram's mom and dad cook in the kitchen. Tina aur Ram ke mummy papa kitchen mein khana pakate the. Sometimes yani sometimes means kitchen kabhi kabhi. Grandma also cooks a special dish. और कभी कभी grandma भी special dish बनाती थी. Grandpa likes to help her. और जो grandpa थे, दादाजी थे, उनको उन्हें मदद करने में help करने में उन्हें help करना पसंद था. Like means help करना. Okay. Tina and Ram help their mom and dad. Tina और Ram उनके मम्मी पापा को help करते थे. Mom और dad को help करती थी. Tina lay the table. Tina lay यानी देना होता है. तो Tina lay the table. Tina table पर क्या देती थी? जैसे plate है, pots है, स्पून है, ओके, ग्लासेस. सो ये सब टीना टेबल पर रखती थी. राम हेल्प टू पुट द फूड ऑन द टेबल. राम हेल्प्स HELPS हेल्प TO2PUT पुट. तो जो राम है वहाँ मतलब खाना टेबल पर रखने के लिए हेल्प करता था.
दे ऑल हेल ईच अदर, वहाँ सभी एक दूसरे को हेल्प करते थे. ओके नेक्स्ट पैराग्राफ. द कुमार्स हाउस हैज अ लिविंग रूम. द कुमार्स हाउस हैज अ लिविंग रूम. इट हैज अ सोफा सेट एंड अ टेबल. इट हैज अ सोफा सेट एंड अ टेबल. देयर इज अ वाश ऑन द टेबल. देयर इज अ वाश ऑन द टेबल. देयर आर फ्लावर्स इन द वाश. देयर आर फ्लावर्स इन द वाश. द कुमार्स हैव अ गार्डन. द कुमार्स हैव अ गार्डन. द फ्लावर्स आर फ्रॉम द गार्डन. द फ्लावर्स आर फ्रॉम द गार्डन. देयर आर पिक्चर्स ऑन द वॉल. देयर आर पिक्चर्स ऑन द वॉल. देयर इज अ टेलीविजन सेट ऑन द वॉल. देयर इज अ टेलीविजन सेट ऑन द वॉल. द फैमिली सिट्स टुगेदर. द फैमिली सिट्स टुगेदर. दे टॉक टू ईच अदर. दे टॉक टू ईच अदर. दे वॉच प्रोग्राम्स ऑन द टीवी. दे वॉच प्रोग्राम्स ऑन द टीवी. द कुमार्स आर अ हैप्पी फैमिली. ओके सो द कुमार्स हाउस हैज अ लिविंग रूम. जो कुमार के हाउस में एक लिविंग रूम था. तो लिविंग रूम में क्या क्या रहता है आपके घर में? आपका जो लिविंग रूम रहता है, हॉल रहता है, वहाँ पे क्या क्या रहता है? यस, सोफा सेट, टेबल, सोफा सेट और एक टेबल. एक सोफा सेट और एक टेबल. देर इज अ वाश ऑन द टेबल. और टेबल पर क्या रखा था? यस, वाश. ओके, वी ए एस ई, मतलब जो हम जिसे हम फ्लावर पार्ट भी कहते हैं. ओके, फुलदानी. वी ए एस ई वास का मतलब होता है फुलदानी. देयर आर फ्लावर्स इन द वास. और उस वास में क्या थे? फ्लावर्स थे. और वो फ्लावर कहाँ के थे? द कुमार्स हैव अ गार्डन. कुमार के घर में एक गार्डन था. द फ्लावर्स आर फ्रॉम द गार्डन. और वह फ्लावर्स कहाँ के थे? गार्डन के ही थे. मतलब कुमार के घर में जो एक गार्डन था, तो वो जो वास में जो फूल रखे हैं वह गार्डन के थे. देयर आर पिक्चर्स ऑन द वॉल. वॉल पर क्या है? पिक्चर्स है. ओके, पिक्चर्स लगे हुए हैं. देयर इज अ टेलीविजन सेट ऑन द वॉल. और टेलीविजन सेट कहाँ लगा हुआ है? वॉल पर लगा हुआ है. ओके, उनका जो टीवी है वह वॉल पर लगा हुआ है. द फैमिली सिट्स टुगेदर. वहाँ फैमिली मीन्स परिवार. तो कुमार परिवार एक साथ वहाँ बैठा था. कहाँ पे? लिविंग रूम में. ओके, दे टॉक टू इच अदर. वहाँ एक दूसरे के साथ बातें करती थी. ओके, या बातें करते हैं. दे वॉच प्रोग्राम्स ऑन द टीवी. डब्ल्यू ए टी सी एच, वॉच मीन्स देखना. और प्रोग्राम्स किस पर के? टीवी पर के. ओके, वहाँ टीवी पर के प्रोग्राम देखती थी. जो भी न्यूज है, सीरियल्स है वह. द कुमार्स आर अ हैप्पी फैमिली. कुमार्स फैमिली कैसी फैमिली थी? खुश.
खुशी मतलब खुश रहने वाली फैमिली थी, बहुत सुखी फैमिली थी। यह पिक्चर आप देख सकते हो, यहाँ लिविंग रूम का पिक्चर है और यहाँ पे टेलीविजन सेट वॉल को लगा हुआ है, टेबल है एंड सोफा सेट है, और यहाँ सारा जो कुमार फैमिली है एक साथ बैठे हुए है, और वॉल पर क्या है, पिक्चर। ओके, वॉल पर क्या लगा हुआ है, पिक्चर लगा हुआ है। एंड खिड़की से बाहर एक गार्डन भी दिख रहा है। तो आपको यहाँ जो यूनिट 7 है बार बार रीड करना है, और नीचे में एक लिविंग रूम का पिक्चर है, और आप देख सकते हो यहाँ पे एरो दिए गए हैं, जैसे कि ये VASE वास यहाँ पे लिखना है, सोफा सेट। ओके, इस एरो में सोफा सेट, टेलीविजन सेट, ओके, एंड मैट, MAT, मैट, क्या मैट, टेबल। ओके, यहाँ टेबल, और यहाँ एरो के आगे में ही लाइन दी गई है, उसी पर आपको लिखना है, और यहाँ पे लिखना है लिविंग रूम। तो यहाँ आपका SW, ओके, आपको ये करना है एट होम। ओके, सो बाय बाय।